हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉक। और अभी मैं जा रहा हूँ घर। वैसे मैं 1 वीक यहाँ पे स्टे किया गुवाहाटी में, अभी रिटर्न जाने का बारी है। तो ये स्कूटी पूरा का पूरा रेडी, और पीछे देख सकते हो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो कि एक दूसरा कैंपस बना रहा है। मेरा एक्चुअली प्लान था सुबह 5 बजे यहाँ से निकल के जाने का, लेकिन वो तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नींद में था तो उठ ही नहीं पाया। उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत मिला मुझे रास्ते में। और गुवाहाटी सिटी से जालुकबारी तक आने में लगभग 30 मिनट ऑलरेडी चला गया। सुबह आते तो 15 मिनट में पहुंच जाते। गाइस, अभी मैं रुका था डिकेथलॉन में क्योंकि मुझे रेनकोट लेना है। पिछली बार जो मैं रेनकोट लिया था वाइल्डक्राफ्ट का, वो बकवास क्वालिटी का था, तो अभी अपग्रेड करने का टाइम है। तो गाइस, ये एक प्रोडक्ट देख सकते हो, ये जो मेरे हाथ में है यही रेनकोट है। तो मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हो, इसको ऐसे बाहर निकलने से, इसको जब आप ऐसे अंदर डालेंगे ना तो ये पॉकेट बन जाएगा और ये रेनकोट बन गया। तो आप इसको आराम से यूज करने के बाद फिर से यहाँ पे घुसा के आराम से रख सकते हो। क्या ये जबरदस्त है। तो गाइस, वहां से रेनकोट लेने के बाद मैं डायरेक्ट घर की तरफ निकल गया। और यहाँ का लोकेशन देख सकते हो, ये ग्वालपारा है। और ये रोड से मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ ना, कभी भी अपसेट नहीं होता हूँ, क्योंकि ये जो रोड है दोनों साइड में देख सकते हो ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये कितना ही ज्यादा ऑसम लग रहा है, बहुत ही मस्त। यहाँ पे कभी भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आप कितना भी बार यहाँ से ट्रेवल कर लो। तो गाइस, इस गाड़ी को हमने साइड दे दिया क्योंकि मैं इसको जब ओवरटेक किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइव कर रहा था, और इसके अंदर स्कूल का छोटा बच्चा भी था, तो ये मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं सोचा कि नहीं, अपना स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करके इसको साइड दे देता हूँ, ये निकल जाए, क्योंकि उस ड्राइवर का शायद दिमाग खराब हो गया मैं इसके आगे कैसे निकल गया। बहुत ही ज्यादा पानी प्यास लग गया था, यहाँ से हमने ठंडा पानी ले लिया। और ये पेट्रोल पंप के साइड में देख सकते हो गाइस, बहुत ही औसम नज़ारा है। और ये इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ। ये रोड साइड में मिल गया है हमको पाइन एप्पल, और इसी को लेना है। और दोनों 80 रुपीज मांग रहा है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर रहे है, देखते है कम में देता है कि नहीं, नहीं देता है तो लेके जाएंगे। और गाइस देख सकते हो मैं कहाँ पे रुक गया, ये मतलब सिलीगुड़ी जाएगा यहाँ से। और इसका स्पीड देख सकते हो बुलेट ट्रेन के बराबर है, बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, सीटी मारते मारते जा रहा है ये। अरे भाई भगाओ, पायलट किधर है? वो रहा पायलट, वहाँ पे ट्रेन को चला रहा है धीरे धीरे, इसको बढ़ा रहा है स्पीड को, लेकिन बहुत ही कम है। अरे भाई पायलट, भराओ भराओ। और देख सकते हो ये ट्रेन के अंदर ट्रेन का ही सामान लेके आया, मतलब पटरी में बिछाने वाला सामान। तो गाइस, घर आते आते ऑलमोस्ट रात हो गया था, और आके अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गया। अभी मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, क्योंकि चावल वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसको लाना पड़ेगा। अभी पापा के साथ कार लेके जाएंगे, स्कूटी लेके नहीं जाएंगे। और गाइस, मतलब जब मैं रूम में आया ना, आने के बाद ये देख रहे हो यहाँ पे मैं जब बैठा, तो इसके अंदर से इतना सारा मच्छर निकल के आया ना कि क्या बोलूं। मैं इतना दिन से घर में नहीं था तो मच्छर आके मेरे रूम कब्जा कर लिया था। और मच्छर ऐसा मतलब वो दिखा रहा था ना, तेवर दिखा रहा था कि मच्छर राज, झुकेगा नहीं साला, कुछ उस टाइप का। लेकिन मैंने भी उसका जुगाड़ कर लिया, ये देख सकते हो काला ही पूरा मार दिया, सारा मच्छर भाग गया। गाइस, अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 7 PM, और वो जो घड़ी है ना उसमें 5 भी नहीं बजा है, तो उस पर भरोसा मत करो। वो घड़ी मेरे साथ एक बार मतलब कुछ बुरा सीन हो गया था, एग्जैक्टली उसी दिन ये जो घड़ी है ना उस दिन बंद हो गया। तो मैं सोचा कि नहीं, इसका बैटरी अभी चेंज नहीं करूंगा, जब मेरा टाइम सही चलेगा ना उसके बाद ही मैं इस घड़ी को मतलब बैटरी जो है उसको रिप्लेस करूंगा और इसका टाइम शुरू कराऊंगा। तो तब तक के लिए इसको बंद ही रहने दो, और अभी मैं बाहर जाता हूँ बाजार में मतलब शॉपिंग करने के लिए। क्या लेगा, कौन सा, ये वाला, ये गोल्ड, टाटा गोल्ड, इसको टाटा गोल्ड लेना। लो लो, ये देखो टाटा गोल्ड।